दोस्तों तो दो इंपॉर्टेंट क्लोज यहाँ पे आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस होंगे जीएसटी की नोटिफिकेशन इशू की गई है जिनमें काफ़ी सारे चेंजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं फर्स्ट अक्टूबर 2022 से ठीक है तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे क्लोज 107 108 किस रिटर्न की यहाँ पे बात की गई है कहाँ आपकी जो लेट फीस है वो लागू होने वाली है तो चलिए उसका डिस्कशन हम करेंगे एक्सटेंशन ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे क्लोज 107 है जिसको अमेंड किया गया है टू अमेंड सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन 47 जो लेट फीस की बात करता है उसको अमेंड किया गया है टू प्रोवाइड लेवी ऑफ लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 52 सेक्शन 52 में जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपनी जी एस उस पर भी अब लेट फीस लागू हो गई है नोटिफाई हो चुका है एंड टू रिमूव रेफरेंस ऑफ सेक्शन थर्टी एट का जो रेफरेंस दिया जाता है उसे रिमूव कर दिया गया है देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निश डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई बाय रजिस्टर पर्सन अंडर द सैड सेक्शन थर्टी एट तो इनवर्ट सप्लाई की जो रिक्वायरमेंट थी उसको हटा दिया गया है आउटवर्ट सप्लाई अभी भी uh, है क्लोज वन जीरो एट को भी अमेंड किया गया है टू अमेंड सब सेक्शन टू ऑफ सेक्शन फोर्टी एट का सब सेक्शन टू अमेंड किया गया है टू रिमूव रेफरेंस टू सेक्शन थर्टी एट का जो रेफरेंस था वो हट गया है देयर इज नो रिक्वायरमेंट और फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इन्वर्ट सप्लाई बाई रजिस्टर पर्सन अंडर द सेट सेक्शन वन थर्टी एट तो सेक्शन थर्टी एट में जो इन्वर्ट सप्लाई की रिक्वायरमेंट थी वो हटा दिया गया है वहाँ से तो क्लोज़ वन ज़ीरो सेवन और वन जीरो ऐट अमेंड हो चुका था फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू में उसे नोटिफाई कर दिया गया है नोटिफिकेशन्स ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दी गई है तो चलिए इम्पोर्टेंट अपडेट्स को ध्यान में रखिएगा और आई क्लेम करने की जो आपकी ड्यू डेट है अब वो हो चुकी है थर्टीअ नवंबर तो आपके लिए ये भी काफ़ी समय आपको मिल गया है आपके आई को मैच करने के लिए या कोई करेक्शन अगर आपको करनी है तो उसके लिए